पिंकी के चश्मे से एक तेज रोशनी निकलती है जिसके बाद उसके सास और पति जलने लगते हैं। आखिर क्यों? पिंकी के चश्मे की रोशनी से उसका परिवार आग में जल रहा था। आखिर क्या हुआ था? चलिए जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। बहू रसोई में जाके सारे ही सारे बर्तन धो दे, और हाँ कोई भी बर्तन झूठा मत छोड़ियो। यह तो तू जानती है तेरा अंजाम क्या होगा। वैसे भी तू दिन भर पड़े रहते मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। जी माँ जी अभी जाती हूँ। जिसके बाद पिंकी लड़खड़ाते हुए रसोई में जाती है। वह सारे बर्तन धो देती है, तभी उसके हाथ से एक गिलास नीचे गिर के टूट जाती है और वहाँ माया आ जाती है। अंधी कहेंगी कुछ न कुछ घर का सामान तोड़ती ही रहती है। तू अंधी नहीं, हमारे सर पर बोझ हो गई है, तेरा रोज का काम है। रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। माया गुस्से में अपनी बहू को खूब मारती है, जिसके बाद बेचारी पिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। तभी पिंकी का पति अपने कमरे में आता है और उसके घाव के निशान देखता है और कहता है, आज भी तुमने कुछ ना कुछ तोड़फोड़ मचाई होगी जिसकी सजा माँ ने तुम्हें दी होगी, यह तो रोज रोज का हो गया है। जिसके बाद विजय वहाँ से चला जाता है और जाकर अपनी माँ को कहता है, माँ मैंने आपसे कहा था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मैं लीना से प्यार करता हूँ, इसे कैसे भी करके घर से बाहर निकालो। तभी माया अपने बेटे को एक तरकीब बताती है और अगले दिन विजय अपने पत्नी को उसके आंखों का इलाज कराने के बहाने से जंगल में लेके जाता है और वहाँ जाकर कहता है, पिंकी तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद पिंकी समझ चुकी थी कि उसके सास और उसके पति ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। तभी पिंकी रोते हुए अपने बैग से दो बिस्किट निकालती है और कहती है, बाबा मेरे पास बस यही है और मैं इस सुनसान जंगल में अकेली हूँ, मैं आपकी बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ, और हाँ आप यहाँ आकर खुद ही ले लीजिए क्योंकि मैं देख नहीं सकती। तभी वह बाबा एक देवता में बदल जाता है और कहता है, बेटी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हारी नेकी और दरियादिली को देखकर कुछ देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आप कौन है? मैं इस जंगल का देवता हूँ और मैं तुम्हारी यहाँ परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम सफल हुई, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बाबा मैं अंधी हूँ और मेरी शादी दहेज देकर करवाई गई थी, जिसके बाद मेरी सास और मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया और मुझे जंगल में लाके छोड़ दिया। कुछ ऐसा कीजिए जो मैं फिर से देख पाऊँ। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें जादुई चश्मे देता हूँ जिसे पहनने के बाद तुम्हें दिखने लगेगा। यह बोलकर देवता गायब हो जाता है और जैसे ही पिंकी उस चश्मे को पहनती है उसके बाद उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर वह वहाँ से घर जाती है जहाँ उसके पति ने दूसरी शादी कर रखी थी। तू वापस कैसे आ गई? तुझे तो जंगल में छोड़ दिया था। हाँ तुम वापस कैसे आ गई? तुम्हें तो अब तक किसी शेर के पेट में होना चाहिए था। लगता है इसे चश्मे की वजह से दिखाई दे रहा है, चलो इसका चश्मा छीन के इसे मार डालते हैं। जैसे ही पिंकी के चश्मे की तरफ वह सभी बढ़ते हैं, चश्मे से एक तेज रोशनी निकलती है और उन तीनों को जला देती है, जिसके बाद पिंकी इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद हो जाती है और अब ये जादुई चश्मा पिंकी की हमेशा मदद करता है।